अधिकारी ज्योति मौर्य इन दिनों लगातार विवादों का सामना कर रही हैं। ज्योति मौर्य पर उनके पति सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य ने आरोप लगाया है कि एसडीएम बन जाने के बाद, इतने बड़े शानदार पद पर पहुंच जाने के बाद ज्योति मौर्य ने उनका साथ छोड़ने का फैसला कर लिया। वह संपर्क में आ गई महोबा में तैनात हुए होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ। मनीष दुबे के साथ उनका अफेयर चल रहा है, ये दावे किए गए हैं आलोक मौर्य की तरफ से। और ऐसे में देखा जाए तो ज्योति मौर्य आलोक मौर्य की शादी टूटने की कगार पर है। प्रयागराज के फैमिली कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई जारी है। इसी बीच देखा जाए तो निलंबन की तलवार ना सिर्फ ज्योति मौर्य पर लटकी हुई है बल्कि मनीष दुबे पर भी। ऐसे में यहाँ पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि योगी सरकार के नेतृत्व में क्या वाकई में मनीष दुबे को बर्खास्त किया जाएगा या फिर नहीं, ये बेहद बड़ा अहम सवाल बनता है। लेकिन दूसरी तरफ मनीष दुबे को लेकर तमाम खुलासे भी हो रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि मनीष दुबे की शादी भी इन दिनों खतरे में पड़ी हुई है। मनीष दुबे की पत्नी तनु पराशर जहां एक तरफ तलाक तक बात लेकर पहुंची थी, लेकिन दूसरी ही तरफ उनका कहना रहा है कि वह भी समझौता करने के लिए तैयार है, क्योंकि आलोक मौर्य ने कोर्ट में साफ तौर पर कहा कि ज्योति मौर्य के साथ वह समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त है, पहले की तरह ज्योति मौर्य को सब कुछ ठीक करना होगा। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अब ज्योति मौर्य की मुश्किलें बढ़ती हुई भी नजर आ सकती हैं, क्योंकि मांग यहां पर की जा रही है कि कुछ मामलों में जमीनी कागजातों के मामले में देखा जाए तो जमीनी कब्जे के मामले में वह अब फंस सकती हैं, क्योंकि अमिताभ ठाकुर की तरफ से मांग की गई है कि उस मामले में कार्रवाई की जाए। लेकिन यहां पर मनीष दुबे को लेकर भी तमाम खुलासे हो रहे हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहे हैं कि मनीष दुबे, जिनकी छवि वाकई में बनती है कि किस तरह से वह हर किसी को डराते धमकाते हैं, ऐसे में देखा जाए तो उन्होंने किस तरीके से यहां पर कई होमगार्ड्स को धमका तक दिया है, किस तरह से उन्हें सस्पेंड किया गया है, सुनिए जरा। बरेली से पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का रिश्ता टूटने की कगार पर है। ये मामला लगातार विवादों में बना हुआ है। मालूम हो कि आलोक मौर्य ने आरोप लगाया कि एसडीएम बन जाने के बाद ज्योति मौर्य जिला होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के संपर्क में आ गई, और इसी रिश्ते के चलते अब मनीष दुबे की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि इस दौरान मनीष दुबे को लेकर तमाम बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। जहाँ एक तरफ मनीष दुबे पर निलंबन की तलवार लटकी हुई है, वहीं दूसरी ही तरफ कई अहम मुद्दों के चलते भी कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि मनीष दुबे को लेकर अब एक और बड़ा खुलासा हो चुका है। ज्योति मौर्य के साथ रिश्ते को लेकर वह सुर्खियों में हैं। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, और इससे इतर बात की जाए मनीष दुबे की छवि के बारे में, कथित तौर पर रौब दिखाकर मनमानी करने वाले अफसर की बताई जाती है। जी हां, आपको बता दें कि अमरोहा में तैनाती के दौरान होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे का इतना दबदबा कायम रहा है कि जिले के जिम्मेदार अफसरों से लेकर जनप्रतिनिधि भी उनके सामने सरेंडर रहते थे। दरअसल अमरोहा जिले में तैनात 12 होमगार्ड्स को उस वक्त मुसीबत का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने होमगार्ड एसोसिएशन ज्वाइन कर ली थी। उनकी खबर स्थानीय अखबार तक में छप गई थी, और फिर क्या था, ये देखकर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया, और इस मामले को आधार बनाकर होमगार्ड कमांडेंट ने अपने विभाग के 12 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। और उसके बाद होमगार्ड्स ने जिले भर के अफसरों और जनप्रतिनिधियों से लेकर लखनऊ तक के जिम्मेदार अफसरों से न्याय की गुहार तक लगाई, जिससे जिले से लेकर लखनऊ तक अफसरों ने बर्खास्त होमगार्ड्स की एक ना सुनी, और मनीष दुबे की दहशत जिले में लगातार बनी रही। किसी जिम्मेदार ने होमगार्ड्स की सुनवाई करने तक की हिमाकत तक नहीं की, और 12 होमगार्ड लगभग 2.5 साल तक बर्खास्त रहे। इससे आप समझ चुके होंगे कि मनीष दुबे का कैसा दबदबा रहा है। 6 होमगार्ड्स को हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ा था, और फिर अदालत के आदेश पर 6 होमगार्ड 2021 में बहाल हुए, और बाकी 6 होमगार्ड स्टे के सहारे आज भी अपनी नौकरी पर काम कर रहे हैं।
ऐसे में आपको बता दें कि मनीष दुबे की मनमानी के सामने डीएम, एसपी से लेकर विधायक और सांसदों ने भी चुप्पी साध ली। ज्योति मौर्य के साथ रिश्ते को लेकर इस वक्त वह सुर्खियों में है और मनीष दुबे पर गाज भी गिर सकती है। गंभीर आरोपों की जांच में मनीष दुबे को दोषी पाया गया है और उनके खिलाफ निलंबित की सिफारिश भी की गई है। इसको लेकर होमगार्ड्स के परिवार दबी जुबान से कहते नजर आ रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। यानी कि आज के समय में देखा जाए मनीष दुबे भी दहशत में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि निलंबन की तलवार उन पर भी लटकी हुई है। कोई भी होमगार्ड कैमरे पर आकर मनीष दुबे के खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर मनीष दुबे को उनके कर्मों का फल मिल रहा है, ऐसा उनका कहना है। दबी जुबान में वह बात रख रहे हैं। होमगार्ड डिपार्टमेंट में दबंग होमगार्ड कमांडेंट का दबदबा आज भी दिखाई पड़ रहा है। ज्योति मौर्य के साथ रिश्ते को लेकर वह इस तरह से सुर्खियों में आई, एक बार फिर से उनका नाम विवादों में बना हुआ है। इसी को लेकर डीआईजी होमगार्ड संतोष सिंह ने अपनी जांच रिपोर्ट डीजी होमगार्ड बीके मौर्य को सौंप दी और जांच में मनीष दुबे के तीन मामलों का जिक्र किया गया है और तीनों ही मामलों का जिक्र करते हुए विभाग की छवि को धूमिल करने का दोषी पाया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर मनीष दुबे के निलंबन की सिफारिश कर दी गई है, लेकिन जांच रिपोर्ट अब शासन को भेज दी जाएगी, जिसके बाद मनीष दुबे पर कार्रवाई तय होगी। तीनों ही मामले का जिक्र किया गया है। एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ रिश्ते को लेकर उनकी छवि धूमिल हुई है। बताया जा रहा है कि मनीष दुबे के खिलाफ अमरोहा में एक महिला होमगार्ड ने भी आरोप लगाया। कमांडेंट मनीष दुबे अकेले में उसे मिलने के लिए बुलाते थे और जब महिला होमगार्ड मिलने नहीं गई तो उसकी ड्यूटी पर रोक लगा दी गई। महिला होमगार्ड ने इस मामले की शिकायत डीजी होम से भी की थी और जांच रिपोर्ट में तीसरी शिकायत में मनीष दुबे की पत्नी का भी जिक्र किया गया है। मनीष दुबे की पत्नी ने जांच के दौरान लिखित बयान देकर आरोप लगाया कि शादी के बाद मनीष दुबे उनसे 80 लाख रुपए की दहेज की मांग कर रहे थे। अब शासन जांच रिपोर्ट के आधार पर मनीष दुबे पर कार्रवाई तय करेगा। माना यह जा रहा है कि शासन मनीष दुबे को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दे सकता है। वहीं मनीष दुबे पर आरोप लगाया गया है आलोक मौर्य की तरफ से कि उनकी पत्नी एसडीएम बन गई तो मनीष दुबे के संपर्क में आ गई और ऐसे में देखा जाए तो अब मनीष दुबे के साथ रिश्ते को लेकर वह सुर्खियों में है। ऐसे में यहां पर मनीष दुबे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं आगे चलकर। लेकिन दूसरी ही तरफ पीसीएस ज्योति मौर्य के संपत्ति विवाद के बाद अब उनकी जेठानी ने उनसे और 6 लोगों के खिलाफ धूमनगंज में एक केस दर्ज कराया है। वहीं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने आवेदन पर कार्रवाई कम होने की चिंता व्यक्त की है। ज्योति मौर्य पर लगभग 1 करोड़ से अधिक रुपए की कीमत वाली सरकारी जमीन को लेकर लगभग 4 लाख रुपए की कीमत वाले व्यक्ति की निजी जमीन से विनिमय कराया था। इस मामले के चलते ज्योति मौर्य की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब देखना यहाँ पर यह होगा कि ज्योति मौर्य आखिरकार इन तमाम मुश्किलों का सामना कैसे करेंगी, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन दूसरी ही तरफ आपको बता दें कि मनीष दुबे आखिरकार वाकई में सस्पेंड किए जाएंगे या फिर नहीं, ये भी वक्त के साथ साथ पता चलेगा। क्योंकि मनीष दुबे की जो पत्नी है तनु पराशर, उनका कहना ये भी रहा है कि मनीष दुबे के साथ वह समझौता करने के लिए तैयार हैं और मनीष दुबे के साथ अपने रिश्ते को वह एक और मौका देना चाहती हैं। अगर यहाँ पर उनका रिश्ता सुलझ जाता है तो वह अपनी शादी को बचाने की पूरी पूरी कोशिश फिलहाल कर रही हैं। वहीं साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अगर मनीष दुबे की यहाँ पर नौकरी जिस तरह से खतरे में है, अगर वह निलंबित होते हैं तो कई सुविधाएं उन्हें मिलती रहेंगी, जैसे कि सरकारी घर और गाड़ी की सुविधा बरकरार रहेगी, वहीं उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती रहेंगी। लेकिन सवाल यहाँ पर आता है उनकी सैलरी को लेकर। निलंबित होने के बाद मनीष दुबे को 3 महीने तक 50% सैलरी मिलने लगेगी और अगर 3 महीने में जांच पूरी नहीं होती तो 75% सैलरी मिलेगी और 6 महीने में अगर जांच पूरी नहीं हो सकी तो पूरी सैलरी उन्हें मिलने लगेगी। तो इस तरह से मनीष दुबे को लेकर अभी कयासों का दौर जारी है। देखते हैं कि योगी सरकार के नेतृत्व में प्रशासन आखिरकार इन पर क्या कुछ अहम फैसला लेता है। आपने सुना यहाँ पर किस तरीके से मनीष दुबे की जो छवि है वह काफी अलग बन चुकी है। अब फिलहाल यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि मनीष दुबे पर आखिरकार जब फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ जाएगी तब क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि प्रशासन इसी बात का इंतजार कर रहा है कि अगर रिपोर्ट सामने आ जाएगी उसी हिसाब से मनीष दुबे को सस्पेंड किया जाएगा। देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर समाज जिस तरीके से मांग कर रहा है, क्योंकि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के इस रिश्ते का असर काफी बुरा असर पड़ रहा है
है समाज पर और इसी वजह से दोनों को बर्खास्त करने की मांग भी जारी है। हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।